कॉपर का साइज़ है थोड़ा सिक्के से बड़ा साइज़ है, तो इसलिए थोड़ी सी हम इसको गहराई यहाँ पे रखता हूँ। पाकिस्तान डिटेक्टर टेक्नोलॉजीज़ की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो फिशर F22 मेटल डिटेक्टर का हम रॉक टेस्ट करेंगे, और इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक एयर टेस्ट रिव्यू, इसके अंदर क्या क्या फंक्शन फीचर्स बहुत तफसील में वीडियो बना चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन के ऊपर जाएँ, लिंक के ऊपर क्लिक करें और आप ये वीडियो देख सकते हैं। फिशर F22 के बारे में मैं आपको बहुत चलें इस वीडियो में भी मैं मुख्तसर बता देता हूँ, और ये बात याद रखें कि जो मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है उसका जो कॉयल है वो अलग है, ये वाली कॉयल अलग है। ये अभी लेटेस्ट डिज़ाइन आया हुआ है, कंपनी ने इम्प्रूव किया है पिछली वाली कॉयल से, ये वाली कॉयल ज़्यादा स्टेबल है। जो अगर इसका जो पिछले वाले मॉडल थे ना उसमें जो जिसपे अगर आप देखेंगे मेरी मैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर लिंक लगा दूंगा, उस वीडियो में आप कॉयल देखें वो अलग है, और ये वाली जो कॉयल है ये अलग है। तो आपको इस टाइम जो डिटेक्टर जो हमारे पास इस टाइम लॉट है उसमें आपको ये वाली कॉयल मिलेंगी जो ज़्यादा स्टेबल है और जो ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्सिव है। अच्छा, इसमें अलावा इसके अंदर जो जो फंक्शन है मैं आपको बिल्कुल बहुत मुख्तसर बता देता हूँ। इसके अंदर आपको पिन पॉइंट मिलेगा, यानी कि आपको पता चल जाएगा एग्जैक्ट ज़ेर ज़मीन कहाँ पर टारगेट है। और इसके अलावा इसके अंदर आपको नॉच भी मिलेगा। नॉच का मतलब ये होता है आप अपनी मर्ज़ी के ऑब्जेक्ट्स बंद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि ये लोहा कली, ये ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट बंद हो जाए, अच्छा सोना चांदी तांबा ये ऑब्जेक्ट एक्टिवेट हो जाए, तो इस मशीन के अंदर आपको वो वाली फंक्शन मिलेंगे। और इसके अलावा इसके अंदर जो इससे डाउन मॉडल है उसमें 3 मोड आते हैं, इसके अंदर आपको 4 मोड मिलेंगे। और इसके अलावा इसकी कॉयल का साइज़ भी बड़ा है। ये बिल्कुल बस एक मुख्तसर सा डेमो था, और ये वाली जो कॉयल है ये वाटर प्रूफ कॉयल भी है। तो अभी हम जो करते हैं रॉक टेस्ट, लेकिन रॉक टेस्ट के लिए ये बात याद रखें कि ये डेप्थ टेस्ट नहीं है, यानी कि रॉक टेस्ट देख के आप इस मशीन की गहराई का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन इतनी गहराई नहीं होगी, इससे ज़्यादा गहराई होती है। और ये आप अगर YouTube पूरी दुनिया के जितने चैनल्स हैं उसमें देखेंगे इस लेवल का रॉक टेस्ट या ये कोई भी नहीं करता, क्योंकि वो करेंगे तो वो ज़ाहिर है वो फिर लोग उसको कहेंगे, बहुत सारे भी सवालात पूछते हैं और भी लोग करते ही नहीं है इसके बारे में। तो हमने आपकी आसानी के लिए कि ये रॉक टेस्ट में पत्थर के नीचे सिग्नल पास करती है या नहीं करती, हमने आपकी आसानी के लिए ये इस तरह की वीडियो बना रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। अभी हम चलते हैं रॉक टेस्ट की तरफ। फिशर F22 अभी हमने ऑन कर लिए, 4 किस्म के अलग अलग मेटल्स हैं और अलग अलग साइज़ हैं। हम इसका एक शॉर्ट सा मुख्तसर सा एक रॉक टेस्ट करते हैं, तो जिसमें मैं अभी आपको ये हमारे पास पहला पाकिस्तानी 10 रुपये वाला सिक्का है, आप देख सकते हैं बहुत क्लियर सिग्नल दे रहा है। इसके बाद ये अभी हमारे पास थोड़ा सा कॉपर का साइज़ है, थोड़ा सिक्के से बड़ा साइज़ है, तो इसलिए थोड़ी सी हम इसको गहराई भी में जगह बना लेते हैं। यहाँ पे ये जगह बनी हुई है, डिटेक्ट कर रहे हैं। और ये बात याद रहे कि ये बड़े सख्त किस्म के हाई मिनरलाइज्ड सॉइल के पत्थर हैं। और इसी तरह ये सोने का कंगन है, ये भी मैं यहाँ पे रखता हूँ। और ये लास्ट में भी हमारे पास एक शीट है 4-5। मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा होता है गहराई ज़्यादा होती जाती है। बहुत क्लियर सिग्नल है इसका। इसके अलावा मैं अगर आपने इसके बारे में डिटेल में अगर आपने वीडियो देखनी है, मैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर लिंक लगा लेता हूं जिसमें हमने इसका एयर टेस्ट रिव्यू तमाम डिटेल्स बताई हुई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।